नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि स्मार्ट लोगों के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है जो उन्हें सफल बनाती है। स्मार्ट लोगों की इन सारी क्वालिटीज को सीख करके आप भी स्मार्ट बन सकते हैं और अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्किल है स्पीक लेस लिसन मोर। स्मार्ट लोग बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। उनके आसपास जब आप बैठेंगे तो बहुत कोशिश करके आप उनसे कुछ बुलवा पाते हैं। अक्सर वो सुनना पसंद करते हैं और इस सुनने के कारण वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि सामने वाला कैसा है और उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार कर पाते हैं। तो स्मार्ट लोगों की जो ये स्किल है ये सीखने लायक है और इसे सीखा भी जा सकता है। कम से कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। सेकेंड स्किल है थिंक बिफोर स्पीक। ऐसे लोग चाहे कितने भी प्रेशर में हों, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना कर रहे हों, चाहे कैसे भी सवाल क्यों ना हो, आसान से आसान बातों में भी वो बोलने से पहले सोचते जरूर हैं। वो प्रेशर के अंदर नहीं आते और अपना टाइम लेकर के बहुत अच्छे से सोच विचार करके अगर जरूरी होता है तभी जवाब देते हैं। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये बाय बर्थ आती है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इसे भी सीखा जा सकता है। थर्ड स्किल है ऑब्जर्वेंट बिहेवियर। जो लोग स्मार्ट होते हैं और सफलता की राह में आगे बढ़ते हैं उनकी एक खास क्वालिटी आपने देखी होगी कि वो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की चीज़ों में और इसीलिए वो कम बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और इस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ये न बोलना और न सुनना पैसिव है, ऐसा नहीं कि कहीं और खोए हुए हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के लोगों को, आसपास की सराउंडिंग को और इस तरह से वो अच्छे से सोच पाते हैं, सही फैसले कर पाते हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कम बोलें और ज़्यादा सुनें तो साथ में ये ऑब्जर्व करने वाली क्वालिटी को भी अडॉप्ट करें और इस तरह से आप स्मार्ट भी बन पाएंगे और सफल भी बन पाएंगे। फोर्थ स्किल है लर्निंग अप्रोच। लर्निंग अप्रोच के कारण ये हमेशा अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं, चाहे वो कोई बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। अगर वो कुछ नया लेकर के आता है, नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडिया है जो उनके काम आ सकता है, आगे बढ़ा सकता है, वो इसे सीखने से नहीं हिचकिचाते और यही चीज़ इन्हें सफल बनाता है। फिफ्थ स्किल है इनकी सिंप्लिसिटी और पोलाइटनेस। ज़्यादातर स्मार्ट और सफल लोग आपको सिंपल और पोलाइट ही मिलेंगे। हालांकि इसके अपवाद आप देख सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों की सफलता ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो जो लोग भी एक लॉन्ग टर्म में सफल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर सिंप्लिसिटी और पोलाइटनेस जरूर देखी जाती है। सिक्स्थ स्किल है डेवलपिंग पर्सनालिटी। ये अपनी पर्सनालिटी को कभी परफेक्ट मान करके नहीं बैठते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सोच लिया कि मैं स्मार्ट हूँ और मैंने कुछ हासिल कर लिया तो मुझे कुछ भी समझने की या कुछ भी अपने में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते हैं, हमेशा नई चीज़ों को सीखते हैं, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं और इनकी पर्सनालिटी इस तरह से डायनेमिक होती चली जाती है, चालू होती चली जाती है और इनके साथ समय बिताना लोग पसंद करने लगते हैं। तो ये स्किल सीखा जा सकता है और हम सभी को इसे ज़रूर सीखना चाहिए। सेवंथ स्किल है बुक रीडिंग की। जो लोग भी स्मार्ट हैं, सफल हैं, एक गुण सभी में कॉमनली आपने देखा है, हर जगह आपको इसके आपको डाटा मिल जाएगा कि ये लोग बुक रीडिंग करते हैं। जो भी लोग किताबें लिखते हैं वो अपनी लाइफ का निचोड़ उन किताबों में डालते हैं और ऐसे लोग इन किताबों को जरूर पढ़ते हैं ताकि ये अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से ना सीख करके दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखें और यही इन्हें सफल बनाता है। तो बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डेवलप करें। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत ना हो तो आप डेली 2-4 पेज से शुरू करें और देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो गई और आप जब कुछ नया सीखेंगे, नया इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा भी बन जाए। एट्थ स्किल है हेल्पिंग नेचर। ज़्यादातर लोग जो सफल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ये हेल्पिंग नेचर के आपको मिलेंगे। अगर आप इनके पास कुछ समझने जाओ, कुछ सीखने जाओ तो ये हमेशा आपको आतुर दिखेंगे सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में कंजूसी नहीं करते और ये चीज़ ही इन्हें चार्मिंग और सफल बनाता है। नाइन्थ स्किल है नो टू से नो। ऐसे लोग हेल्पिंग अप्रोच के होते जरूर हैं लेकिन ये स्मार्टनेस और सफलता के दौरान ये जरूर सीख जाते हैं कि कब ना कहना है। ऐसा कोई भी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको सफल होने से रोकती है उसे ये ना कहना जानते हैं और ये एक ऐसा गुण है जो हमारी एनर्जी को गलत जगह पे खर्च होने से बचाता है और अननेसेसरी के स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं करता जो अंततः आपको सफलता की तरफ लेकर के जाता है। और जो 10th एंड लास्ट स्किल है वो है सेल्फ अवेयरनेस की। आपको सभी स्मार्ट एंड सफल लोग सेल्फ अवेयर दिखेंगे। इन्हें अपनी अवेयरनेस होती है, अपनी सराउंडिंग की अवेयरनेस के साथ साथ
ये अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर चल रहे हैं सारे विचारों को, उसको लेकर के अवेयर होते हैं, अपनी केयर करते हैं, उन बातों में जो कमियां होती हैं उसे बाहर करना जानते हैं, और ये सेल्फ अवेयरनेस ही इन्हें डेवलपिंग बनाता है, इन्हें मोटिवेटेड रखता है और इनकी पर्सनालिटी को दिन पर दिन अच्छा बनाता चला जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, मोस्टली लोगों में इसका अभाव देखा जाता है और यही कारण है कि लोग कंप्लेनिंग हो जाते हैं। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस को ज़रूर सीखें, अपने अंदर चल रही चीज़ों को जानने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, और यही आपका जानना आपको सफल बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ लेसन आपने ज़रूर सीखा होगा। तो लेसन को अप्लाई करें, सफल बने, आगे बढ़ें और दूसरों की मदद करें। आती हूँ ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।